चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतोदुर्यम चत्तारी शरणं भवच्छामि अरिहंते शरणं भवच्छामि सिद्धे शरणं भवच्छामि साहू शरणं भवच्छामि केवलिपन्नतोदुर्यम Yeah.
मृदु वर्तमाने आचार्य से संपत्ति संगति ओम नि परम पूजे एक बार वाणी थी फासले वाली से वर्तमान सर जी महाराज साक्षात विराजमान है तिनके चरणों में मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु कृते नमो नमोस्तु नमोस्तु पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति और पूरी विधि संपन्न कराएंगे पूज्यश्री के आशीर्वाद से उनका निमंत्रण आचार्य निमंत्रण तिलक विधि बड़ी परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की सकल चतुर्विध संघ की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की आरती अवतरण कर लेते हैं जब तक दुल्हन लेके नहीं आएगा
आचार्य श्री आशीर्वाद देंगे, उसके बाद में स्वधर्म इंद्र और जितने सब परिकर देवता हैं इंद्र सभी को मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। आपके आशीर्वाद की शक्ति ऊर्जा पंच कल्याणक समारोह में Thank you.
प्रतीकृति पुण्य निकेतन प्रदक्षिणी करम पुनः Thank you.
भाई ये मान पाओ जिन्होंने भगवान की विधि कर ली है उसने पर लेकर के मंदिर जी में पहुंचे गए। चलिए श्री मंदिर जी में, हाँ बड़े मंदिर श्री पर चलिए, श्री पर वहीं चढ़ना है, हाँ भगवान के लिए बड़े मंदिर में पहुंचे गए जिनने विधि कर ली है वो सी के ताकत के बड़े मंदिर में पहुंचे गए। सभी जिन्होंने विधि कर ली है उसी के लगकर के श्री पर लेकर के बड़े मंदिर जी में पहुंचेंगे। मामला चलिए भाई सभी सभी चलेंगे मंदिर जी, सभी मंदिर जी पहुंचिए। घर से आ रहा है
श्री महावीर भगवान की आनंद वाले बाबा की रब पूजा से वर्तमान सागर जी महाराज की आचार्य संग की अभी की आनंद की जय।
और उस पंडाल का उस मंडप का उद्घाटन करने हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अपने गुवाहाटी से झूमरमल जी पन्नालाल जी गंगवाल हाथीगोला परिवार से कमल जी गंगवाल महावीर जी गंगवाल और सुशील जी गंगवाल सह परिवार यहां उपस्थित हैं। और वो आज के इस कार्यक्रम का इस पंडाल का इस मंडप का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मंगल कुंभ स्थापना हेतु हम प्रदीप जी जैन पीएनसी से सादर अनुरोध करेंगे जहां कहीं हो कृपया अति शीघ्र मंच पर पधारे से परिवार। भगवान के माता पिता राजकुमार जी किरण देवी सेठी साथ में सोधर्मेंद्र इंद्राणी साथ में चक्रवर्ती सम्राट श्री सुरेश जी पाटनी शांता जी पाटनी और साथ में यज्ञ नायक कृपया अतिशीघ्र मंच के सामने आ जाएं। कसेरा जी के व्यक्ति जहां कहीं हो कृपया एक बार मंच पर आएं। हेलो चल हेलो टेस्टिंग हेलो हेलो चल हेलो 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 चेक हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो टेस्टिंग हेलो 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 चेक हेलो आचरिया जन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय का शिर से दांत सुपाट का मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचयते परमेष्टना प्रतिदिनम
कुरुवन्तु ते मंगलम कुरुवन्तु मे मंगलम कुरुवन्तु मंगलम श्रीमन्नम ऋषुरा सुरेन्द्र मुकटा प्रधोतरात्ना प्रभा भासते पाद नखेन्देवा प्रवचनम बोधिन्देवास्थायिना ये सर्वे जन सिद्ध सूर्यन गता ते पाठ का साधुआ स्तुत्या योग जिनस पंच गुरुवा कुरुवन्तु ते मंगलम कुरुवन्तु मे मंगलम नाभि आदि जिनाद पास्त्र भुवना ख्यातश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरते सर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिबिष्टो लांगलधरा सप्तोतरा विंशति त्रिकाले प्रतिताति षष्ठ पुरुषा कुरुवन्तु ते कुरुवन्तु मे मंगलम कुरुवन्तु ओ मंगलम ए सर्वौषध रुद्धय सुतपसो रुद्धिंगता पंचये ए चाष्टांग महानिमित्त कुशला एष्टो विधाचारण पंच विबलिनो ए बुद्धिरुद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रत कुर्वन्तु ते कुरुवन्तु ते कैलासे ऋषभस्य निर्वृतिमही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूजतु जिनपते सम्मेदशैलेरतां शेषाणामपि चोर्जयं तशिखरे निमिस्वरस्यारतो निर्वाणावनय प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु मंगलम ज्योतिर्व्यंतर भावनामर गृहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिता जम्बू शाल्मलि चैत्य शाकिषु तथा वक्षार रूप्यादृषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे दीपे च नंदीश्वरे शैले ये मन ज्योतरे जिन गिरा कुरुवन्तु ते मंगलम कुरुवन्तु मे मंगलम कुरुवन्तु जय बोले महावीर भगवान के जय जय भाव हेलो श्री जनेन्द्र पप्पू जी आचार्य श्री भोग पांडाल परिषद की ओर पधार रहे हैं जो लोग परम पूज्य पंचम पट्टाधीश साचाई रत्न एक स्वर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की आचार्य संघ के आइए भगवान लेके आगे आइए भैया कृपया सभी खड़े हो जाएं जय 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 जिन दे जय 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 जिन दे जय 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 गुरुदेव जय प्रदीप जी जय पीएनसी जहां कहीं हो कृपया अति शीघ्र मंच पर पधारे सह परिवार जय 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 जिन दे जे जे आज के इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक महोत्सव के पंडाल का उद्घाटन हमारे अपने गुवाहाटी के श्रीमान झूमर मल जी पन्नालाल जी गंगवाल हाथीगोला परिवार से श्रीमान कमल जी गंगवाल साथ में श्री महावीर जी गंगवाल साथ में श्री सुशील जी गंगवाल
परिवार ने आज यहाँ मंच उद्घाटन किया है, मंडप उद्घाटन किया है। हम जोरदार तालियों से इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी से अनुरोध, कृपया एक बार जगह छोड़ते हैं सामने से। श्री जी मंच पर विराजमान होने जा रहे हैं। सभी से अनुरोध, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी इंद्रों से अनुरोध और सभी यहां पर उपस्थित श्रेष्ठी श्रावकों से अनुरोध, कृपया आप सब नीचे पधारें। प्रदीप जी जैन पीएनसी सपरिवार कृपया ऊपर मंच पर पधारें। भगवान के माता पिता राजकुमार जी सेठी, किरण देवी सेठी से अनुरोध, आप वहां पर बाईं ओर हमारे नाम लिखा हुआ है, आप वहां पर बैठें। साथ में सौधर्म इंद्र इंद्राणी, साथ में चक्रवर्ती सम्राट और कुबेर कृपया मंच पर पधारें। और बाकी सभी इंद्रों से सभी से अनुरोध है, कृपया आप सब नीचे पधारें। महावीर जी गंगवाल और कमल जी गंगवाल कृपया हमारे बाईं ओर आ जाएं। अम्मा हेलो, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सौधर्म इंद्र इंद्राणी से निवेदन है कि वे भीतर में वेदी के समीप पधारे। सौधर्म इंद्र इंद्राणी, रोहन जी, अमिता जी कटारिया कृपया अतिशीघ्र मंच पर पीछे वेदी की ओर पधारें। सौधर्म इंद्र इंद्राणी भीतर में वेदी के समीप पधारें। हाँ जी इंद्र महाराज आइए। हेलो, ध्यान से सुनिए। जिन इंद्रों को ऊपर बैठना है उन सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो कृपया अपने नाम के अनुसार वहां बैठ जाएं, और जिनके नाम यहाँ नहीं हैं, वो कृपया नीचे वीआईपी सोफे वहां है, कृपया वहां जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। पहले अपना नाम चेक कर लें। सौधर्म इंद्र जी भीतर में वेदी के समीप पधारे। इस प्रतिष्ठा महोत्सव के सौधर्म इंद्र जी कृपया मंच पर वेदी के समीप पधारें। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करने हेतु हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विवेक जी काला साहब, श्री सुरेश जी सबलावत साहब, साथ में श्री प्रदीप जी पीएनसी, और साथ में श्री महावीर जी गंगवाल और हमारे कमल जी गंगवाल, राजकुमार जी सेठी साहब कृपया अतिशीघ्र मंच पर पधारे दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण हेतु।
कृपया चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन हेतु विवेक जी काला साहब, सुरेश जी सबलावत साहब, हमारे कमल जी गंगवाल, साथ में श्री महावीर जी गंगवाल, साथ में श्री सौधर्मेंद्र इंद्राणी और कृपया मंच के पीछे की ओर पधारें प्रदीप जी जैन पीएनसी आगरा और हमारे पंच कल्याणक के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी कोठारी साहब, कृपया अति शीघ्र मंच पर पीछे की ओर पधारें। पंच कल्याण के सभी पात्रों से अनुरोध है कृपया आप सब पंडाल में ही विराजें। पंच कल्याण के सभी पात्रों से अनुरोध है कृपया आप सभी पंडाल में ही विराजें नीचे की तरफ, कोई भी यहां से बाहर ना जाए, अभी कोई भी बाहर ना जाए। देखिए दीप प्रज्वलन का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आज ये सौभाग्य जिन परिवारों को मिला है, एक बार उनके सम्मान में सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। ये सौभाग्य उनका भाग्य इस तीर्थ क्षेत्र महावीर जी पर जागा है। देवाधिदेव 1008 भगवान श्री महावीर स्वामी और साथ में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करने हेतु हमारे कमेटी के श्री सुरेश जी सबलावत, साथ में श्री विवेक जी काला साहब और भी यहाँ पर अगर कोई कमेटी मेंबर उपस्थित है, प्रबंध कारिणी कमेटी के पदाधिकारी या कमेटी मेंबर उपस्थित हो तो कृपया अति शीघ्र आप मंच पर पधार जाएं पीछे की ओर। हेलो, हेलो 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 रमेश बताना, रमेश मुझे बताना, सभी अतिथियों को स्वागत और अभिनंदन चल रहा है, उन्हें तिलक लगाकर हमारे पंडित जी साहब भागचंद जी उनका अभिवादन कर रहे हैं। और जो प्रमुख कार्य आज इस सभा का है, जिसे कहते हैं कि दीप प्रज्वलन, वह कार्य बस कुछ ही क्षणों के उपरांत यहाँ प्रारंभ होगा। सारे अतिथि गणों का अभिवादन और चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन हेतु प्रबंध कारिणी कमेटी अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी और महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति के कोई भी पदाधिकारी गण सदस्य यहां पर हो तो कृपया अति शीघ्र मंच पर पधारें पीछे की ओर और दीप प्रज्वलन चित्र अनावरण आप हेतु आप पधारे। हमारे बीच अनिल जी सेठी बेंगलोर से उपस्थित हैं और साथ में सौभाग्यमल जी कटारिया साहब उपस्थित हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कृपया वो भी मंच में पीछे की ओर आ जाएं दीप प्रज्वलन चित्र अनावरण हेतु। प्रदीप जी पीएनसी आगरा,
कुंभ स्थापना हेतु, मंगल कुंभ स्थापना हेतु आप कृपया अति शीघ्र आगे आए। आइए सभी मान भाव आए, पहले चित्त अनावरण करेंगे, पहुंचिए वह। आइए कमल जी, चलिए प्रदीप जी, पीएनसी आइए, चलेंगे चित्त अनावरण करेंगे साथ में, विवेक जी काला, सुरेश जी सबलावत, चलिए महावीर जी गंगवाल, कमल जी गंगवाल, चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन हेतु सौधर्मेंद्र इंद्राणी, रोहन जी, अमिता जी कटारिया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम, ऊपर उठा दो, सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजाइएगा, बोलो भगवान महावीर स्वामी की। जबलाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के। सभी लोग इधर आएंगे और आज की धर्म सभा का दिव्य आयोजन करेंगे। राम भाई चित्र अनावरण हो गया है। तेरी तस्वीर दिल में ए भगवन, तेरी तस्वीर दिल में ए भगवन, जाने कब से बसाए हुए हैं। रोहन जी, अमिता जी कटारिया, सौभाग्यमल जी कटारिया साहब साथ में, अनिल जी शेट्टी साहब, दीप करम शुभ दीप कम सकल लोक सुखाकर मुजलम, ते मेरे जाल हरम विक्रम मदा कलम धराम सुमंगल किम। चलिए शुभम करो ते कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्ध विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तु, ओम निसि अज्ञान तमना दीपकम प्रज्वलयामि स्वाहा। चलिए आइए दीप प्रज्वलन हो। जो संयम का रूस चकाम दुहा मम रक्त सया, पुरविजु नहीं पुरविजु नहीं, ओम 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 रम 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 स्वाहा, दीप प्रज्वलनम करो मिते स्वाहा। चलिए दीप प्रज्वलन कर रहे हैं सभी अतिथिगण, नीचे बैठे जितने भी लोग हैं एक बार जोरदार तालियां बजाएं। दीप मंगल कलश, अब मंगल कलश स्थापना के लिए प्रदीप जी पीएमसी और उनके साथ में सभी यजमान पधारे। मंगल कुंभ स्थापना हेतु प्रदीप जी जैन पीएनसी आगरा, सहपरिवार कृपया आगे आ जाएं। भाइयों प्रदीप जैन पीएनसी एक ऐसा परिवार जो समस्त दिगंबर मुनियों के लिए जो समर्पित है, परिवार आगरा से आज हमारे और आपके बीच में पधारा है, जो दिगंबर समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इनके चारों भाई प्रदीप जी और तीन भाई हमेशा समर्पित रहते हैं, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन। प्रदीप जी जैन, नवीन जी जैन, चक्रेश जी जैन और योगेश जी जैन, ये चार भाई प्रदीप जैन पीएनसी आगरा परिवार से, और इस परिवार द्वारा आज मुख्य वेदी मंगल कुंभ स्थापना मुख्य वेदी पर की जा रही है। हमारे बीच आदरणीय महावीर जी हाथी गोला परिवार से गुवाहाटी से पधारे हैं। सच मानिए एक ऐसा व्यक्तित्व आसाम समाज के लिए, जो राजस्थान से जाकर आसाम में पहुंचकर जिन्होंने एक इतिहास रचा है, और संपूर्ण जैन समाज के जो अध्यक्ष कहलाते हैं, आज हमारे बीच में महावीर जी गंगवाल जी, एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां। जो संयम का पथ दर्शाए, जीवन में दीप जला जाए, तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना, तुम अपने अपने भाव बनाए, प्रभु चरणों में आ जाना। जो संयम का पथ दर्शाए, संयम का पथ दर्शाए, हो जीवन में दीप जला जाए, तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना, तुम अपने अपने भाव। आइए मंगल कलश स्थापना इधर, श्री निर्जरेशा दीपचक्र पूर्वम श्रीपाद पंकिरुहयुक्ममीशम श्रीवर्धमानं प्रणिपत्य भक्त्या
संकल्पमेतं कथयामि सिद्धि। ओम स्वस्ति श्री यजमानाचार्य प्रभु दीपभिजनानां सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदा ब्रह्मत्ते त्रैलोक्य मध्य मध्यासीने मध्यम लोके श्रीमदनावृतिक्ष संसेव्यमान दिव्य जम्बू वृक्ष उपलक्षित जम्बू दीपे सुमेरु दक्षिण भागे भरतवर्ष आर्याखंडे हे प्रतिपन्न दक्षिण कुंतल देशे हे राजस्थान प्रांते महावीर जी नगरे श्रीमत् श्री जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव तथा महामस्तकाभिषेक निमित्ते इति मंगल कलश स्थापनम करोमिति स्वाहा। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। हरि सिद्ध्यर्थम मंगल कुंभ स्थापनम करोमिति स्वाहा। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लें। नमो अरिहंताणं नमो सीदाणं नमो आयरियाणं नमो वेजायाणं नमो लोए सव साउणं। सभी जाप प्रारंभ करें। अब हम विवेक भाई साहब चांदनपुर गांव में हेलो 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 हेलो। भगवान के माता पिता राजकुमार जी सेठी किरण देवी सेठी से अनुरोध, कृपया मंच में बाईं ओर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में सोधर्म इंद्र इंद्राणी रोहन जी अमिता जी कटारिया कृपया मंच में बाईं ओर पधारें अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में श्री दीपक जी विनीता जी सेठी कुबेर इंद्र कृपया मंच में बाईं ओर पधारें। और साथ में हमारे महोत्सव के चक्रवर्ती सम्राट सुरेश जी शांता जी पाटनी कृपया मंच में बाईं ओर पधारें। वो कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए अब से कुछ ही देर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर पधारने वाले हैं, इस हेतु ऐसी व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। तो आप सभी से अनुरोध कृपया व्यवस्था में सहयोग करें। Thank you.
हेलो हेलो चैत्र हेलो अभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक के प्रारंभ की सारी विधि यहां संपादित हुई और आगे के कार्यक्रमों में अभी कुछ ही समय के पश्चात राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब अपने बीच में पधारने वाले हैं और आज के इस पंच कल्याणक के गर्भ कल्याणक के अवसर की सारी विधि अभी संपादित होगी। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग पधार चुके हैं, आचार्य श्री के श्री चरणों में सत्सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के, आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज के, बोले पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के, समस्त आचार्य संघ के, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ के, आचार्य श्री सत्संग पधार चुके हैं। आप सब एक बार कृपया खड़े हो जाएं। आचार्य श्री के सभी में जय हो जय हो जय जय हो, गुरुदेव पधारे हैं, जय हो जय हो जय जय हो, गुरुदेव पधारे हैं, जय हो जय हो जी जय हो, जागे भाग हमारे हैं, जय हो जय हो जी जय हो, जागे भाग हमारे हैं, जय हो जय हो जी जय हो, ऋषिराज पधारे हैं, जय हो जय हो जी जय हो, जय हो जय हो जय हो। देखिए आज की ऐतिहासिक बेला जब पूरा विश्व आज इस क्षेत्र की ओर देख रहा है, जहां पर 24 वर्ष बाद भगवान महावीर स्वामी की भव्य प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 24 नवंबर से 28 नवंबर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और तत्पश्चात 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक भव्य मस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन आज इस बेला पर प्रारंभ हो चुका है। आज के इस महोत्सव के शुभारंभ में मंडप उद्घाटन हमारे गुवाहाटी के अपने श्री कमल जी गंगवाल, महावीर जी गंगवाल, सुशील जी गंगवाल, झूमरमल पन्नालाल गंगवाल, हाथीगोला परिवार द्वारा किया गया और साथ में मंगल कुंभ स्थापना प्रदीप जी जैन आगरा परिवार पीएनसी द्वारा किया गया है। हम आज के हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ अब हम कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम पंडित जी श्री हंसमुख जी जैन धर्यावत प्रतिष्ठाचार्य महोदय से सविनय अनुरोध करेंगे, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें और आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण आप प्रस्तुत करें। पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जी जैन धर्यावत। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौ गणी
मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अब हम देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी जिनके शासन में हम सब विराजमान हैं, देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करने हेतु हम सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमान रोहन जी, अमिता जी कटारिया, राजकुमार जी, किरण देवी सेठी, और अगर हमारे यहाँ पर कुबेर इंद्र विराजमान है तो वो भी कृपया आगे आ जाएं, और अगर यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट भी अगर यहाँ पर विराजमान है मंच पर तो वो भी कृपया आगे आ जाएं। एक अर्घ की थाली साथ में श्रीफल, मंच में पीछे की ओर आ जाएं। हाँ, रामकुमार जी महावीर भगवान को अर्घ समर्पित करेंगे। ओ जल फल वसु सजी में थार तन मन मोद भरो गुण गाओ भवद दितार पूजत पाप हरो श्री वीर महाअतिवीर सन्मति दायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। पंडित जी ओम रिम भगवत श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ बोले महावीर भगवान की। अब पूर्वाचार्यों का एक अर्घ हम समर्पित करेंगे। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आदि पूर्वाचार्यों का अर्घ हम समर्पित करें। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फल अर्घ कैश धवल मंगल गाउन रवातुले जिन ग्रहे गुरु राज महम्यजे। ओम रिम परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी, आचार्य श्री शिव सागर महाराज जी, आचार्य श्री धर्म सागर महाराज जी, आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी आदि सकल पूर्वाचार्य भ्यू नमा अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बोला आचारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। अब जिनके मंगल सानिध्य में ये महामस्तकाभिषेक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, हमारे पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज को हम सब अर्घ समर्पण करेंगे। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुवर दीप धूप फल लाऊं वे भव अतुल अनंत गुणों का पाऊं अर्घ चढ़ाऊं वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईसा अजित सूर्य के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा अजित सूरी के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा अजित सूरी के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा। ओम रिम परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी ससंग विराजमान आपके चरण कमल की पूजा महार्घम निर्वपामिति।
अब हम आचार्य श्री निर्मल विमल सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ समर्पण करेंगे। ओ सब त्याग दिया संसार और संयम लीना था, हे विमल सागर महाराज गुरुवर तुम तो अनुपम हो, ऋषिवर तुम तो अनुपम हो, जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरुदीप धूप फल ले आया, तुम जैसा ही भगवन गुरु तुम जैसा ही बनने गुरुवर अब शरण आपकी मैं आया, तेरी मूरत तेरी सूरत हम देखे बार बार, सब त्याग दिया संसार और संयम लीना धार, हे विमल सिंध गुरुराज तुम तो गुरुवर अनुपम हो, गुरुवर तुम तो अनुपम हो। ओम रिम आचार्य विमल सागर जी महाराज जी चरण कमल की पूजा अर्घम निर्वपामिति। अब समस्त मंचासीन मुनिगण आरिकागण को हम एक अर्घ समर्पण और करेंगे। हाँ राम कुमार जी। हेलो बोलिए अहिंसामयी जैन धर्म की, बोलिए अहिंसामयी जैन धर्म की। गुरुवर सुबह हो शाम हम तेरे मिलकर गुण गाएंगे, मिलकर गुण गाएंगे, गुरुवर सुबह हो शाम हम तेरे मिलकर गुण गाएंगे, मिलकर गुण गाएंगे, भावना है मेरी कर कपा हो तेरी तो भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे, गुरुवर सुबह शाम हम तेरे मिलके गुण गाएंगे, मिलकर गुण गाएंगे। ओम रिम परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर महाराज जी, मुनि श्री चिन्मयानंद जी महाराज जी सहित विराजमान समस्त मुनि महाराज चरण कमल की पूजा, समस्त अरिका माता जी चरण कमल की पूजा, अर्घम निर्वपामिति। जबले जैन धर्म की जय। बंधु जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, यह महामस्तकाभिषेक महोत्सव आज से प्रारंभ होने जा रहा है। अब हम आज के हमारे मंडप उद्घाटनकर्ता झूमरमल जी पन्नालाल जी गंगवाल हाथीगोला परिवार वालों से अनुरोध करेंगे, कृपया आप मंच पर आगे आए, हम आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महोत्सव समिति आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है, कृपया आपसे अनुरोध आप मंच पर आ जाएं आगे। और हम हमारे महोत्सव समिति के श्री विवेक जी काला और साथ में सुरेश जी सबलावत साहब से अनुरोध करेंगे, कृपया आप हमारे झूमरमल जी पन्नालाल जी गंगवाल हाथीगोला परिवार का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। साथ में आशा जी काला और साथ में ललिता जी सबलावत, कृपया स्वागत अभिनंदन हेतु आगे आए। भावना ज्योति जी मेरी, भावना है मेरी गर कपा हो तेरी तो भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे, जल तर जाएंगे, और गुरुवर सुबह हो शाम हम तेरे मिलके गुण गाएंगे, मिलके गुण गाएंगे, मिलकर गुण गाएंगे, मिलकर गुण गाएंगे। ज्ञान की चांदनी विवेक जी काला साहब और साथ में सुरेश जी सबलावत साहब, कृपया आप अभिनंदन करें। हमारे आज के मंडप उद्घाटनकर्ता झूमरमल जी पन्नालाल जी गंगवाल हाथीगोला परिवार के श्री कमल जी गंगवाल, महावीर जी गंगवाल, सुशील जी गंगवाल, हम राजेंद्र जी कटारिया साहब से सादर अनुरोध करेंगे, कृपया वो
अभिनंदन हेतु पधारे। ज्ञान की चांदनी साथ में युग खिलती रहे, ज्ञान की चांदनी युग खिलती रहे और तुम्हारी दया युग मिलती रहे। ज्ञान की चांदनी युग खिलती रहे और तुम्हारी दया युग मिलती रहे। साथ छूटे नहीं दूरी टूटे नहीं तो भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे। और गुरुवर सुबह हो शाम हम तेरे मिलके गुण गाएंगे, मिलके गुण गाएंगे, मिलके गुण गाएंगे, मिलकर गुण गाएंगे। भावना है मेरी गर कपा हो तेरी तो भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे। ज्ञान की चांदनी युग खिलती रहे, ज्ञान की चांदनी युग खिलती रहे और तुम्हारी दया युग मिलती रहे। ज्ञान की चांदनी युग खिलती रहे और तुम्हारी दया युग मिलती रहे। साथ छूटे नहीं डोरी टूटे नहीं तो भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे, भव जल तर जाएंगे। चांदनपुर गांव में प्रभु की छाव में, चांदनपुर गांव में प्रभु की छाव में खिले गुलाब पारिजात के सुमन। चांदनपुर गांव में प्रभु की छाव में, चांदनपुर गांव में प्रभु की छाव में खिले गुलाब पारिजात के सुमन। चांदनपुर गांव में प्रभु की छाव में प्रभु की छाव में। अब हम आज के हमारे इस महोत्सव के मंगल कुंभ स्थापन करता प्रदीप जी जैन पीएनसी परिवार, प्रदीप जी, नवीन जी, चक्रेश जी, योगेश जी जैन परिवार से अनुरोध करेंगे कृपया आप मंच पर पधारें। हम आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सह परिवार कृपया आप आगे आ जाएं। साथ में हम अभिनंदन हेतु हमारे विवेक जी काला साहब और सुरेश जी सबलावत, साथ में आशा जी काला, ललिता जी सबलावत, ज्योति जी यहीं पर रहें। खिले गुलाब पारी जात के सुमन। चांदनपुर गांव में प्र...
प्रभु की छाव में चंदनपुर गांव में, प्रभु की छाव में खिले गुलाब पारिजात के सुमन, चंदनपुर गांव में प्रभु की छाव में। बिखरी है भक्ति फजाओं में, ठंडी ठंडी पवन है, बिखरी है भक्ति फजाओं में, ठंडी ठंडी पवन है। आओ चलो आज मिलकर करें प्रभु भक्ति यहाँ चांदनपुर गांव में, प्रभु की छाव में खिले गुलाब पारिजात के सुमन, चांदनपुर गांव में प्रभु की छाव में। कसेरा जी, कसेरा राम भाई, हमारे आज के इस मंगल कुंभ स्थापन करता हमारे प्रदीप जी जैन पीएनसी आगरा का हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। भाइयों, आदरणीय प्रदीप जी जैन पीएनसी एक ऐसा परिवार जो समस्त लोगों के लिए, दिगंबर संतों के लिए, तीर्थों के लिए यह परिवार हमेशा समर्पित रहता है, तो हम और आपका भी दायित्व है एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर इस परिवार का स्वागत अभिनंदन। पंच कल्याण के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी कोठारी साहब कृपया मंच पर पधारे अभिनंदन करने हेतु। राजकुमार जी कोठारी साहब, बिखरी है भक्ति फजाओं में, शीतल शीतल पवन है, बिखरी है भक्ति फजाओं में, ठंडी ठंडी पवन है। आओ चलो आज मिलकर करें प्रभु भक्ति यहाँ चांदनपुर गांव में, प्रभु की छाव में चांदनपुर गांव में, प्रभु की छाव में खिले गुलाब पारिजात के सुमन, चांदनपुर गांव में प्रभु की छाव में, चांदनपुर गांव में प्रभु की छाव में। आइए हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं और राम कुमार जी से निवेदन है कि उनके स्वागत में दो शब्द गीत के माध्यम से प्रस्तुत करें। स्वागतम स्वागतम स्वागतम,
हो स्वागतम। ओ स्वागतम 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 गुरु आपका स्वागतम आपका स्वागतम 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 स्वागतम। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय शासन नायक हम कहें, ऐसे हमारे सर्वप्रिय जन जन के प्रिय हमारे मुख्यमंत्री महोदय कुछ ही क्षणों में यहां पधारने वाले हैं और उनके कर कमलों से आज के इस महोत्सव के ध्वज वंदन का कार्यक्रम होगा। हम सब यहीं पर पंडाल में ही विराजमान रहेंगे। ध्वज वंदन का कार्यक्रम पंडाल के ठीक पीछे की तरफ या हम कहें कि एकदम सामने की तरफ होगा, पर सबसे अनुरोध है कोई भी अपने स्थान से यहां से न जाएं। और हम देखिए सुरक्षा की दृष्टि से ये सब व्यवस्था की गई है। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं वो कृपया उसी हिसाब से बैठें मंच पर, और बाकी सभी इंद्र और अतिथिगण से अनुरोध है वो कृपया हमारे दाएं ओर बैठें, और ये ऊपर दाएं ओर मंच की ओर हमारे जो भी यहाँ पर लोकप्रिय विधायक और लोकप्रिय मंत्रीगण हैं हमारी सरकार के, राजस्थान सरकार के, और जो वीवीआईपीज हैं वो बैठेंगे। हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कृपया व्यवस्था में सहयोग करें, जिनके नाम हमने यहाँ पर दिए हैं वही कृपया उसी हिसाब से बैठें, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम आज एक हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके हाथों से उद्घाटन होने जा रहा है इस महोत्सव के ध्वज वंदन का। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, हम सब उनके आगमन पर जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन भी करेंगे। हम वो मंदिर से निकल चुके हैं और कुछ ही क्षण में यहाँ पर पधारेंगे। माइक हेलो। बोले देवादि देवे खजराट प्रभु महावीर भगवान की जय। प्रातस्मरणीय परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्री 68 वर्धमान सागर जी महाराज की जय। चाननपुर वाले बाबा की जय। महानुभाव, हमें जिस घड़ी का इंतजार पूरे एक वर्ष हो रहा था वह घड़ी आज, वह क्षण, वह पल हमारी आंखों के सामने है। भगवान महावीर स्वामी की यह पावन नगरी जहां हम सभी को 24 वर्षों के अंतराल के बाद हमारा सपना साकार होने जा रहा है, और आज इस महोत्सव का शुभारंभ हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत साहब के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। ध्वजारोहण हमारे इस आयोजन की यश पताका को विजय की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होती है। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्री 68 वर्धमान सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में हमारे
सम्माननीय प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जी जैन साहब के मांगलिक क्रियाओं के माध्यम से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ निश्चित ही प्राणी मात्र के लिए कल्याण का कारण बनेगा। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी का महामस्तकाभिषेक हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। देश विदेश से श्रद्धालुगण प्रभु के मस्तक पर जल की धारा छोड़ने के लिए आएंगे और पवित्र गंधोदक अपने घर लेकर जाएंगे। वह पवित्र गंधोदक हमारे परिणामों की निर्मलता का कारण बनेगा। कुछ ही क्षणों पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य पधार रहे हैं। जो भी महानुभाव इधर उधर हैं, उन सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर ले, जिससे कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विधिवत रूप से स्वागत अभिनंदन कर सके। मुख्यमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहां पंडाल में पधारने वाले हैं। जैसा कि पंडित जी साहब ने, मुकेश जी ने अभी जानकारी दी है, ये महामस्तकाभिषेक महोत्सव 24 वर्ष बाद 24वें तीर्थंकर का महामस्तकाभिषेक 24 वर्ष बाद और 24 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में वर्धमान स्वामी का महामस्तकाभिषेक महोत्सव आयोजित हो रहा है। सबको जानकारी है कि आचार्य भगवान लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी तय करके, वो भी केवल 6 महीने में, अपनी पद यात्रा करते हुए यहां पर पधारे और इस महोत्सव को मंगल सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही विनय की बात है। हम आचार्य संघ के प्रति बहुत बहुत सादर सविनय नमोस्तु करते हैं कि हे भगवान, आज के इस मंगल महोत्सव का जो शुभारंभ हो रहा है, ये आपके मंगल आशीर्वाद से बहुत 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 सफलता से संपन्न हो। साथ में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद, मंगल सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। साथ में समस्त मुनिगण, समस्त साधुगण का हमें मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हम इस महोत्सव के जो हमारा कहें कि सॉन्ग है, जो टाइटल सॉन्ग है, जो हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं, हम अजीत जी से अनुरोध करेंगे कृपया हमारे इस महोत्सव का टाइटल सॉन्ग आप लॉन्च करें। अजीत जी, अभिनंदन होना चाहिए। वंदे महावीरम, वंदे वंदे, आवाज में ही दम नहीं है। जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, उनके वंदन के लिए हमें जोर लगाना पड़ रहा है। एक बार जोरदार आवाज में कहेंगे, वंदे महावीरम। ये टाइटल सॉन्ग इस महोत्सव का लॉन्च हो चुका है। बंधुवर, ये महामस्तकाभिषेक महोत्सव प्रबंधकारिणी कमिटी ने तय किया लगभग 1.5 वर्ष पूर्व। हम आप सब इस प्रबंधकारिणी कमिटी अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने ऐसा मानस बनाया, या हम कहें कि अपने रिजोल्यूशन में ऐसा पास किया कि भगवान महावीर स्वामी के महामस्तकाभिषेक का आयोजन होना चाहिए। सभी जनों को, सभी समाज जनों को यह मालूम है कि 24 वर्ष पूर्व आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के मंगल सानिध्य में यह महामस्तकाभिषेक आयोजित हुआ था। वो सहस्राब्दी समारोह था, इसलिए आयोजित हुआ था। और 24 वर्षों से लगातार भगवान महावीर स्वामी की जो प्रतिमा है, जो आप स्क्रीन में दाएं ओर देख रहे हैं, वो प्रतिमा, या हम ये कहें कि वो प्रतिमा नहीं, साक्षात भगवान महावीर स्वामी विराजमान है जहां पर, उन महावीर स्वामी का अभिषेक 24 वर्षों से
हम कहें कि सुरक्षा की दृष्टि से या व्यवस्था की दृष्टि से ये अभिषेक नहीं होते हैं यहाँ पर, और प्रबंधकारिणी कमेटी ने ऐसा मानस बनाया। हम एक बार जोरदार तालियों से प्रबंधकारिणी कमेटी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जिन्होंने ये मानस बनाया कि महामस्तकाभिषेक आयोजित होना चाहिए। ये प्रतिमा जिसके दर्शन कांच से ही जनरली होते हैं, मेरी बात आप सब ध्यान से सुने, जिनके दर्शन कांच से ही करीब करीब सबको उपलब्ध होते हैं, कोई बहुत ही पुण्यवान जीव होते हैं जिन्हें कांच हटाकर दर्शन का लाभ मिलता है। अब सोचिए उन्हीं भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक का लाभ मिलने जा रहा है, वो कितने पुण्यशाली जीव है, वो कैसे पुण्यशाली जीव हैं। और उन्हीं महावीर स्वामी के महामस्तकाभिषेक के आयोजन के निमित्त ही एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। श्री क्षेत्र महावीर जी में एक इतिहास रचने जा रहा है। जब भगवान महावीर स्वामी की खड़गासन 24 फीट प्रतिमा यहाँ पर विराजमान हो चुकी है और साथ में यहाँ पर अब इसकी प्रतिष्ठा संपन्न होने जा रही है, यह हमारे लिए बहुत पुण्य का अवसर है, बहुत शुभ अवसर है। अब हम पंडित मुकेश जी शास्त्री से अनुरोध करेंगे कि कृपया आप आगे की कार्यवाही आगे बढ़ाएं। पंडित श्री मुकेश जी जैन शास्त्री, बोलिए महावीर भगवान की, चाननपुर वाले बाबा की जयकारा में आवाज नहीं है। आप इतनी दूर दूर से चलकर के प्रभु के दरबार में आए हैं, एक बार दोनों हाथ आकाश की ओर लहराते हुए जयकारा बोलेंगे। बोलो टीले वाले बाबा की, चाननपुर वाले बाबा की, बोलिए महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्रीक्षात वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्रीक्षात विमल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महानुभाव, आपकी प्रसन्न मुद्रा देख करके आनंद का अनुभव हो रहा है कि आप टीले वाले बाबा के पावन आंगन में बैठकर जहां इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ आज मंगल ध्वजारोहण होने जा रहा है, ध्वजारोहण में आपकी उपस्थिति इस पांडाल और मंडप की शुद्धि हमें निश्चित ही पुण्य वर्गणाएं प्रदान कर रही है। ये स्थान जहां शायद आप पहली बार आए होंगे और आपको यहां पूज्य आचार्य श्री के पावन दर्शन करके, संघ के दर्शन करके निश्चित ही मन आनंद और से प्रफुल्लित हो रहा होगा। भगवान महावीर स्वामी लगभग 425 वर्ष पहले इस धरती पर टीले से प्रकट हुए और उसी समय से पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धालुओं का आवागमन, आप सभी की आस्था श्रद्धा समर्पण। जब आप प्रभु के दरबार में परिवार के साथ आते हैं तो अपनी श्रद्धा की गगरी प्रभु के चरणों में समर्पण करते हैं। आज ये सौभाग्य की घड़ी कि जिन संत के दीक्षा संस्कार इसी धरती पर हुई हो, उन्हीं संत के सत्संग पावन सानिध्य में उन्हीं के द्वारा शासन नायक विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की 24 फुट उत्तुंग जिनबिंब के सूर्य मंत्र के साथ प्रतिष्ठा, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा संयोग शायद संभव नहीं हो पाता कि जिस तीर्थ पर जिस संत की दीक्षा संस्कार हुए हो, उन्हीं संत के द्वारा वहां के मूलनायक भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के मस्तकाभिषेक के अलावा अन्य 24 तीर्थंकर सहित महावीर स्वामी की उत्तुंग प्रतिमा के संस्कार किए जा रहे हो। आज पूज गुरुदेव यहाँ ससंग विराजे हैं, ये हम सभी का सौभाग्य है।
बंधुओं, हम प्रभु के पावन चरणों में नमन और वंदन करते हुए भावना भाते हैं कि पतित पहुत पावन किए गिनती कौन करे अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन देव। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा सौभाग्य हमें आज 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के पावन दरबार में 24 नवंबर से प्राप्त हो रहा है। 4 दिसंबर को महामस्तकाभिषेक का समापन। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ये सौभाग्य कैसे मिले। जैसा कि अभी हमारे अग्रज भाई राकेश जी सेठी साहब बता रहे थे कि जिन भगवान महावीर स्वामी के शीशा हटाकर दर्शन मिलना, उनके स्पर्श करना दुर्लभ है और हम अपने हाथों से प्रभु के मस्तक पर वो जल की धारा छोड़ेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ियों के साथ लोग प्रभु के मस्तक पर जल की धार छोड़ने के लिए आएंगे, वो कल्याण का कारण बनेगी। हम भगवान महावीर स्वामी के लघुनंदन पूज्य आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमन वंदन करते हुए ये कामना करते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, आपका सानिध्य हमारे जीवन में कल्याण का कारण बने। आज का यह ध्वजारोहण हमारे इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं मस्तकाभिषेक महोत्सव को एक साकार रूप प्रदान करे एवं ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए हम निरंतर सभी कार्यों में विजय को प्राप्त कर सकें, ऐसी मंगल भावना के साथ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकारिणी कमेटी निरंतर प्रयासरत है कि आपको कोई असुविधा ना हो, इस तीर्थ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, भगवान महावीर स्वामी महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति निरंतर प्रयासरत है कि कोई व्यक्ति प्रभु की भक्ति से वंचित न रह पाए, ऐसी भावना से आज हम इस मंगल ध्वजारोहण का आगाज कर रहे हैं। चंद क्षणों में हमारे मध्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं, उनके करकमलों द्वारा यह मंगल ध्वजारोहण और मंगल ध्वजारोहण के साथ आगे के सभी मांगलिक आयोजनों को गति प्रदान की जाएगी। बंधुओं, टीले वाले बाबा के पावन दर्शन और मस्तकाभिषेक हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा विश्व में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो प्रभु महावीर स्वामी टीले वाले बाबा की कृपा से वंचित हो। सभी भक्तों के ऊपर टीले वाले बाबा की अनन्य कृपा। हम मन में विचार लाते हैं, साथ ही साथ हमारी मनोभावनाएं प्रभु के दर्शन मात्र से पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे चाननपुर वाले बाबा के पावन दरबार में ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम शायद अपने जीवन में पहली बार 5 दिन तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर इंद्र इंद्राणी के रूप में ये भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। चंद्र मिनटों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य पधार रहे हैं। धर्मानुरागी बंधुओं,
संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहा है कि संतों का समागम और प्रभु का भजन विरले ही दुर्लभ लोगों को मिल पाता है। ये हमारा परम सौभाग्य हमें प्रभु के पावन चरणों में खींच कर लाया है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिट्टी हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिट्टी हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली तो आएंगे चले जाएंगे, होली दिवाली तो आएंगे चले जाएंगे, पर जिस नगर में संत हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। जिस नगर में संत हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। आज बंधुओं ऐसा लग रहा है कि हम कोई त्योहार मनाने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे मध्य पधार रहे हैं, जिनके करकमलों द्वारा इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य ध्वजारोहण का भव्य आयोजन, ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य महोदय श्री हसमुख जी जैन साहब के द्वारा कराई जा चुकी हैं और उनके मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजारोहण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। कुछ ही क्षणों पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य पधार रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस मांगलिक आयोजन का शुभारंभ हमारे प्रदेश के मुखिया के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। जब किसी आयोजन की बागडोर किसी मुखिया के हाथ में होती है तो उसकी सफलता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। आप सभी की भक्ति इस महोत्सव को साकार रूप प्रदान करेगी। जब हम प्रभु महावीर स्वामी के पावन दरबार में खड़े होकर अपने मन के हृदय के पुंज प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो प्रभु महावीर स्वामी मुझसे बात कर रहे हो। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी का यह महामहोत्सव 1998 के सहस्त्राब्दी समारोह के बाद 24 वर्षों में हमें मिल रहा है। हमें पूर्ण भक्ति भाव से इस महोत्सव कि पलों को इन क्षणों को अपनी स्मृति पटल पर आच्छादित करना है, जिससे हम पुनः पुनः प्रभु के पावन दरबार में
आकर के उन स्मृतियों को स्मरण कर सकें और प्रभु की भक्ति में तन्मयता के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी जोड़ सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य पधार रहे हैं, ध्वजारोहण होगा, उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधारेंगे तो हम सभी लोग खड़े होकर के अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। भगवान महावीर स्वामी के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का मांगलिक ध्वजारोहण जो इस महोत्सव को मंगलता प्रदान करेगा। हमारे राजस्थान के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत साहब के कर कमलों द्वारा, आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य पंडित हसमुख जी शास्त्री के मंत्रोच्चारण के साथ हो रहा है। हम सभी लोग खड़े होकर के संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण देश की, संपूर्ण प्रदेश की सुख शांति की मंगल कामना करेंगे। ले महावीर भगवान की, ले महावीर भगवान की, चांदनपुर वाले बाबा की। दोनों हाथ खड़े करके जोरदार जयकार लगाएं। बोलो टीले वाले बाबा की, परम पूज्य वात्सल वारिधि आचार्य गुरुवर श्री साठ वर्धमान सागर जी महाराज की। हमारे मध्य पधार रहे हैं, आपका स्नेह, आपका वात्सल, आपका दुलार संपूर्ण राजस्थान की जनता को निरंतर प्राप्त होता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान महावीर स्वामी की धरती पर आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए प्रफुल्लित हो रहे हैं। हेलो मनीष जी, प्रफुल्लित हो रहे हैं। देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु जो आपकी एक झलक पाना चाहते हैं, पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीपल भेंट करके मंगल आशीर्वाद। पूज्य आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज के पावन पुनी चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ा स्थान छोड़ दें। मैंने तो सबसे पहले कहा था कि भाई ये सौभाग्य के क्षण है बंधुओं, जो भगवान महावीर स्वामी का यह पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जिसका मांगलिक ध्वजारोहण हमारे सिरमौर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। हे गुरु देव ही आराधना मेरी, हे गुरु देव भी उपासना मेरी, ओ, 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 ओ।
गुरुदेव की आराधना मेरी, हे गुरुदेव की उपासना मेरी, दिन में तो हो आपका दीदार बस मुझे सपनों में आते रहो। सभी महानुभावों से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण कर लें। पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कृपया स्थान ग्रहण करें। सभी फोटोग्राफर्स कृपया पीछे आ जाएं। फोटोग्राफर वीडियोग्राफर मंच से नीचे आ जाएं। कृपया अपने स्थान पर, आपका स्थान सुनिश्चित है, कृपया अपने स्थान पर पधारें। स्टेज को पूरी तरह खाली करने का कष्ट करें। आज भगवान महावीर स्वामी का यह महा महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। ये सौभाग्य की घड़ी कि हम प्रभु महावीर स्वामी के पावन दरबार में, इस पवित्र आंगन में आप जैसे महामना को पाकर आपका अभिनंदन कर गदगद हो रहे हैं। सभी महान भावों से मेरा अनुरोध है कृपया मंच से नीचे आ जाएं। जिनका जहां जो स्थान सुनिश्चित है कृपया वहां बैठ जाएं। महामहोत्सव की गौरव अध्यक्ष माननीय एनके शेट्टी साहब से अनुरोध किए डाइस पर स्थान ग्रहण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सुधांशु जी काछलेवाल साहब, परम शिरोमणि संरक्षक माननीय श्री अशोक जी पाटनी साहब, महोत्सव के कार्य अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष प्रबंधकारिणी कमेटी श्री विवेक जी काला साहब, मानद मंत्री महोदय श्री महेंद्र जी पाटनी साहब, हमारे हिंडोन के लोकप्रिय विधायक श्री भरोसेलाल जी जाटव साहब, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय श्री विश्वेंद्र सिंह जी, गंगापुर से माननीय विधायक महोदय श्री दानिश जी अबरार साहब कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। श्रीमान दिनेश जी खोड़निया साहब, आप सभी से अनुरोध कि आज आप सभी को इस मंच पर पाकर हम गौरवान्वित हो रहे हैं। राजस्थान की धरती में एक करौली जिला, करौली जिला ऐसा जिला है जहां चारों धाम हैं। उनमें से एक धाम भगवान महावीर स्वामी का नाम सभी से अनुरोध है। ये संगीत बंद कर दें। बोलिए महावीर भगवान की, और जयकारा में आवाज नहीं है, दोनों हाथ खड़े करके जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए चाननपुर वाले बाबा की, परम पूज वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की। महानुभाव, हम बहुत समय से चल रहे हैं और समय के प्रति कटिबद्ध होना हमारा कर्तव्य है। मंच पर आज हम सभी के लोकप्रिय, सभी पर अपना प्यार और दुलार निरंतर लुटाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब को पाकर हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। मैं बिना किसी विलंब के आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री एस के जैन साहब, रिटायर्ड आईपीएस सुभाष चंद जी जैन मुख्य संयोजक संयुक्त मंत्री, और उमराव मल जी संगी साहब संयुक्त मंत्री को आकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत करें।
आपका अभिनंदन हमारा गौरव बढ़ाता है। हम आज गदगद हो रहे हैं कि आज आपने हमें अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण प्रदान किए। बोलिए महावीर भगवान की, चाननपुर वाले बाबा की। आज आपका अभिनंदन और प्रभु के चरणों का यह है साफा आपके मस्तक पर शोभायमान करते हुए हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि जिस प्रकार से आपका स्नेह और दुलार हमें मिलता रहा है, भविष्य में भी इसी प्रकार हमें आपका निरंतर स्नेह प्राप्त होता रहेगा। इस भावना के साथ आज हम आपका पुनः पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं। बोलिए चाननपुर वाले बाबा की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर शिक्षाठ वर्धमान सागर जी महाराज की। हमारे माननीय पर्यटन मंत्री महोदय श्री विश्वेंद्र सिंह जी हमारे मध्य हैं, उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री चंद्र प्रकाश जी पहाड़िया, श्री सुरेश जी सावलावत जी को। कृपया आगे पधारें और हमारे पर्यटन मंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत कर अनुग्रहित करें। ये सौभाग्य बंधुओं आप देख रहे होंगे कि श्री महावीर जी में विभिन्न स्थानों पर जो नए नए कार्य हुए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से के निर्देशन में माननीय पर्यटन मंत्री महोदय ने सभी कार्यों में हमें हंसी खुशी अपना सहयोग प्रदान किया, पूरे प्रशासन ने अपना सहयोग प्रदान किया। माननीय अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रदीप कुमार जैन और देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, सम्मान करने के लिए श्री भजनलाल जी जाटो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे मध्य हैं। आपका मंगल तिलक प्रदीप जी और देवेंद्र जी अजमेरा साहब कर रहे हैं। अभिनंदन स्वागत इस जनसमूह के मध्य टीले वाले बाबा के पवित्र आंगन में आपकी यशस्वी भाल पर मंगल तिलक और माल्यार्पण करके हम गौरवान्वित हो रहे हैं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय रमेश जी मीणा साहब, पंचायत राज्य मंत्री जो हमारे मध्य हैं, आपका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री पूनम चंद जी शाह साहब और श्रीमान हेमंत जी सौगानी साहब से। माननीय श्री रमेश जी मीणा साहब का अभिनंदन और स्वागत श्री पूनम चंद जी शाह साहब और हेमंत जी सौगानी साहब। जैसा कि बंधुओं शायद पूरे राजस्थान में श्री महावीर जी को एक मॉडल पंचायत के नाम से घोषित किया गया, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आपका स्नेह और आपका जुड़ाव इस पावन नगरी से है।
आज पहली बार नहीं, पहले भी अनेक बार आप इस दरबार में प्रभु के चरणों में नमन और वंदन करने के लिए आते रहे हैं। अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दिनेश जी खड़ोनिया साहब को, दिनेश जी खोड़निया साहब को, कि आज हमारे मध्य आप पधारे और आपने हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभाष जी जैन साहब और श्री उमरावमल जी संगी साहब को। जल्दी जल्दी चलो, थोड़ा सा फास्ट। श्रीमान सुभाष जी जैन साहब और श्री उमरावमल जी संगी साहब, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाते हुए हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री भरोसेलाल जी जाटव जी हमारे मध्य हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रूपिन जी काला और श्री एसके जैन साहब को। अगले क्रम में हमारे मध्य सवाई माधोपुर से विधायक माननीय दानिश जी अबरार साहब हैं, आपका अभिनंदन स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री भारत भूषण जी को और श्री सुरेश जी जैन बांधीकुई को। कृपया पधारें। बोली महावीर भगवान की जयकारा में दम नहीं और हम किसी से, अरे जोरदार जयकारा लगाए। एक बात बोले टीले वाले बाबा की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की। मैं बिना किसी विलंब के आमंत्रित कर रहा हूं प्रबंधकारिणी कमेटी दिगंबर जी नेतृत्व श्री महावीर जी के यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्री सुधांशु जी कासलीवाल साहब को कि आप अभिनंदन स्वागत उद्बोधन के माध्यम से आज आप सभी का अभिनंदन स्वागत करें। जन जन पर क्षमा चाहूंगा, करौली विधायक सम्माननीय श्री लाखन सिंह जी हमारे मध्य हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर पदम जी जैन साहब को, डॉक्टर पदम जी जैन साहब को और श्री अनिल जी दीवान जी को। कृपया पधारें। माननीय लखन सिंह जी करौली विधायक हमारे मध्य हैं, आपका अभिनंदन और स्वागत। जब जब आपसे मुलाकात हुई मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है और हम ये भावना भाते हैं कि आप निरंतर प्रभु के दरबार में इसी प्रकार पधार करके हमें अपने निर्देश के माध्यम से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सुधांशु जी कासलीवाल साहब, जन जन पर कृपा बरसाने वाले भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन करते हुए
साक्षात विराजमान परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं विराजमान सभी मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु एवं पूज्य आरिका माता जी के चरणों में वंदामी निवेदित करता हूँ। श्री विश्वेंद्र सिंह जी पर्यटन मंत्री, श्री शकुंतला जी रावत, श्री सांसद मनोज जी विधायक, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हमारे इस महोत्सव के शिरोमणि संरक्षक हैं और आपने ये शिरोमणि संरक्षक रहना जब स्वीकार किया तो हम आश्वस्त हो गए थे कि ये कार्यक्रम निश्चित ही बहुत सुंदर होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आग्रह पर आपने चीफ सेक्रेटरी महोदया और 8 डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की एक हाई पावर कमेटी नियुक्त की और उनकी देखरेख में इस क्षेत्र का विकास हुआ और आज जो भी आप देख रहे हैं महावीर जी और महावीर जी के आसपास सड़कों को या पानी के बंदोबस्तों को, बिजली के बंदोबस्तों को और सुंदरता को, सब आपकी ही देन है। आपके कारण ही ये सब कुछ हुआ है और मैं आपसे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज से 50 साल, गत 50 वर्षों में जो काम नहीं हुए वो इन साल 6 महीने में पूरे हो चुके हैं। मैं नहीं जानता कि आइंदा इतना काम होगा, तो इसके लिए हम सब और हमारा समाज मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस दौरान आपके निर्देशन पर PWD विभाग, JVVNL पर्यटन विभाग इत्यादि विभागों ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया और लोकल प्रशासन की तो मैं आपसे क्या बात कहूँ कि सर, लोकल प्रशासन ने इस कदर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आउट ऑफ द वे जाके हमें हेल्प करी, सपोर्ट किया और इस पूरे क्षेत्र की इतनी सफाई करा दी और हमारे आग्रह पर महावीर जी की पंचायत को मॉडल पंचायत न केवल डिक्लेयर किया बल्कि यहाँ मॉडल पंचायत होने के लिए जितने भी कार्य हैं सब कार्य करवाएं। मैं उन सब के लिए क्षेत्र की ओर से और तमाम समाज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और निश्चित ही इसमें हमारे महाराज और सभी संघ का बहुत आशीर्वाद है और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम बगैर किसी विघ्न के और सा आनंद पूर्ण होगा। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमें निरंतर सहयोग प्राप्त होता है, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने अभिनंदन स्वागत किया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्री रमेश जी मीणा साहब को कि दो शब्दों के माध्यम से हमें अपना प्यार, स्नेह और दुलार प्रदान करने का कष्ट कर। जैसा कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है, मंच पर पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज विराजमान हैं। पूज्य आचार्य श्री के पावन सानिध्य में यह भव्य आयोजन यहां होने जा रहा है, जिनकी स्वयं की दीक्षा 53 वर्षों पहले इस धरती पर हुई थी। आज अनेक प्रतिमाओं के संस्कार आपके करकमलों द्वारा होंगे। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में प्रार्थना कि अपने मंगल आशीर्वचन से हम सभी को लाभान्वित कराने की अनुकंपा करें। पूज्य आचार्य श्री। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्संति जस्स धम्मे सयामणो।
1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की पंच कल्याणक महामहोत्सव की विश्व प्रसिद्ध महावीर जी अतिथि क्षेत्र जहां 24 वर्ष पूर्व भगवान महावीर की प्रतिमा का सहस्रादी महोत्सव संपन्न हुआ और 24 वर्ष के बाद पुनः भगवान महावीर स्वामी के महामस्तकाभिषेक महोत्सव के साथ साथ यहाँ पंच कल्याण महामहोत्सव संपन्न हो रहा है, जिसका शुभारंभ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब ने किया है। यह बात सुनिश्चित है, कोई भी अनुष्ठान हो और विशेषकर धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक क्षेत्र हो, उसकी प्रगति और विकास में उस प्रदेश की सरकार का बहुत बड़ा सहयोग होता है और वो सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे विभागों ने इस क्षेत्र को प्रदान किया और क्षेत्र के विकास में आज जो विकसित रूप उस क्षेत्र का दिखाई दे रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम ये कहना चाह रहे थे, मंगलाचरण में जैसे कि हमने कहा, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल स्वरूप है, क्योंकि संसार के प्राणी सभी अपना मंगल चाहते हैं, सुख चाहते हैं और मंगल और सुख को प्राप्त करने का एकमेव कारण और साधन जो है वो धर्म ही है। उस धर्म के अधिष्ठाता भगवान महावीर स्वामी वर्तमान के शासन नायक धर्म तीर्थ के कर्ता भगवान हैं और इससे पूर्व भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान ने इस भारत धर्म धरा को बल्कि भरत क्षेत्र की आर्यखंड में अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा यहाँ की जनता को सुख शांति और अपनी उन्नति का, आत्मिक उन्नति का जो मार्ग धर्म हो सकता है उसका उपदेश दे करके उन्होंने यहाँ पर धर्म की ज्योति जलाई और उस धर्म ज्योति के द्वारा जीवों ने, अनेक जीवों ने यहाँ पर कल्याण किया है। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि इस धर्म के माध्यम से उन तीर्थंकर देवों ने तो मोक्ष प्राप्त ही किया, लेकिन उन जिन जीवों ने भी उस भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को धारण किया है, जो कि अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह रूप है, अपरिग्रह रूप है, उसको धारण कर करके और उन्होंने इन पांच महाव्रतों को धारण करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया और जिन लोगों ने भी इस धर्म को अपने जीवन में यथायोग्य रीति से धारण किया है वह धर्म जो है वह सबका कल्याण करने वाला है। भगवान महावीर स्वामी की जीवन गाथा पुनर्व भील के समय से प्रारंभ होती है, शास्त्रों में उसका वर्णन है। एक भील का जीव उस धर्म को धारण करके एक मुनिराज के उपदेश से
अहिंसा धर्म को धारण करके और कालांतर में चल करके अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बना, तो उनके द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, उन्होंने जो धर्म धारण किया, उस धर्म को धारण करने वाला प्रत्येक प्राणी जो है वह अपने आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकता है। ये भौतिक सुख तो सभी जीव प्राप्त करते हैं, लेकिन आत्मिक सुख जो है वो धर्मात्मा को ही प्राप्त होता है। और इस आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए भौतिक सुखों का त्याग करना होता है। संवेग की भावना हमारे भीतर होनी चाहिए, और संवेग की भावना यह है कि जो धर्म, धर्म के फल और धर्मात्माओं में हर्ष और अनुराग रखता है, उसके जीवन में वो संवेग प्रतिफलित होता है और वह अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। ये महामस्ताभिषेक महोत्सव आज संपन्न होने का संकल्प ध्वजारोहण के माध्यम से महा मुख्यमंत्री ने किया है, तो हम ये मंगल भावना भाते हैं और ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये मंगल महोत्सव सब मंगल महोत्सव तो है ही, वो तो संपन्न होगा ही, लेकिन इस मंगल महोत्सव के विद्यमानता के कारण, इस मंगल महोत्सव के द्वारा सारे देश की जनता को, सारे विश्व की जनता को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा यह मंगल महोत्सव सबका मंगल करे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम अपनी बात संपूर्ण करते हैं। इस मंगल महोत्सव में अहिंसा क्षेत्र जो भगवान महावीर का क्षेत्र है और तीर्थंकरों का क्षेत्र है, इस धर्म की अहिंसा धर्म से हमारा देश अप्लावित है। उस अहिंसा धर्म की बात महात्मा गांधी ने भी इस देश में की थी और उस अहिंसा के बल पर ही उन्होंने इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराई थी। तो ये भगवान महावीर का क्षेत्र, हम मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहेंगे कि आपके इस मुख्यमंत्रित्व काल में ये सुनिश्चित रूप से अहिंसा क्षेत्र रूप से घोषित होकर के और सारे विश्व में अहिंसा का प्रचार और प्रसार यहाँ से करें, ये हमारी मंगल भावना है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मैं आमंत्रित करूं, उसके पहले मैं राजस्थान के दिगंबर जैन समाज की तरफ से और हिंदुस्तान के दिगंबर जैन समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के बाद आपकी पहली सरकार है अशोक गहलोत जी की सरकार, जिन्होंने किसी दिगंबर आचार्य को देश की आज़ादी के बाद स्टेट गेस्ट घोषित किया, माननीय आचार्य वर्धमान सागर जी को। मैं आचार्य श्री और गुरुदेव से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक काम और किया जैनों के लिए कि 2013 के अंदर आप विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाए जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित करने का, उसके लिए भी जैन समाज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक आभार और व्यक्त करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, हालांकि आपके आभार के लिए तो शाम तक कम पड़ जाएगी, लेकिन एक आभार और व्यक्त करना चाहता हूं कि जब कोरोना काल था, उस कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, और जब लॉकडाउन लगा तो हमारे दिगंबर आचार्य पैदल चलते हैं, विहार कहीं और करते हैं, चातुर्मास कहीं और होता है, तो सारे साधु राजस्थान के जहां वो विहार करने के लिए छूट भी दी कोरोना में, और आपने उनको सुरक्षा भी दी, इसलिए दिगंबर जैन समाज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पधार करके आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूजनीय परम सदे श्री वर्धमान सागर जी महाराज साहब, यहाँ पर तमाम साधु और मुनि संघ, आरिका माता जी संघ और तमाम यहाँ हमारे मेरे साथ आए हुए मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी, रमेश मीणा जी, बजनलाल जाटव जी,
भवेश लाल जाटव जी, लाखन मीना जी, दानिश अबरार जी, गंजा महर जी, अशोक पाटनी जी, हमारे चीफ जस्टिस रहे हुए नगेंद्र जैन साहब, चीफ जस्टिस नरेंद्र जैन साहब, सीपी जैन साहब, इनके सेठी जी, पूनम चंद शाह जी, एस के जैन साहब, उपिन काला, सुधीर कासलीवाल जी, और जो हमारे अध्यक्ष तो है ही हैं आपके, सुधांशु कासलीवाल जी, साथ में प्रतिष्ठाचार्य हसमुख पंडित जी, महेंद्र पाटनी जी, विवेकाला जी, सुभाग मलिक कटारिया, छाबड़ा साहब, अनिल सेठी जी, सीपी जैन साहब और तमाम गणमान्य भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी मैं पूज्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज साहब के वचन सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं उनका अपनी ओर से और राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि उनका विहार राजस्थान में श्री महावीर जी में हो रहा है और 24 साल के बाद में ये पावन अवसर आया है। विचारों से अभी मैं सोच रहा था कि पूज्य वर्धमान सागर जी महाराज साहब एक तो बहुत ही भावना व्यक्त कर रहे थे जिसकी आज देश को और दुनिया को जरूरत है। भगवान महावीर ने उस जमाने के अंदर जो संदेश दिया सत्य का, अहिंसा का, अपरिग्रह का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, आज सब प्रासंगिक है। और आपने ठीक कहा, महात्मा गांधी ने भी प्रेरणा ली, तो प्रेरणा ली श्रीमद राजचंद्र जी महाराज साहब से, उनका आश्रम में गुजरात में, वहाँ भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला। गुरु वैचर जी स्वामी जी भी थे, तो गांधी जी भी उनके विचारों से, जो भगवान महावीर के दिवे थे सत्य के अहिंसा के, उससे प्रभावित होकर के उन्हें अपने जीवन के अंदर आत्मसात किया सत्य को, अहिंसा को, और जिसके मार्ग पे चल के अभी मुनिश्री कह रहे थे कि देश को आज़ाद करवा दिया। जो आपके विचार सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं समझता हूँ मेरा आना यहाँ पर धन्य हो गया। ये विचार हम लोगों के हैं, क्योंकि जहाँ शांति होगी, सद्भाव होगा, अहिंसा होगी, वहीं मानव का कल्याण भी होगा, और चाहे वो गांव हो, जिला हो, प्रदेश हो, देश हो, दुनिया हो, उसका विकास भी, उसका कल्याण भी तभी संभव है जहाँ सत्य है, अहिंसा है, वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य ईश्वर है, तो भगवान महावीर के संदेश को उन्होंने आत्मसात करके कहा था। इसलिए मैं तो खुद बचपन में जैन स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ प्राइमरी तक, तो मुझे तमाम संस्कार से मैंने कोशिश की है आत्मसात करने की। महावीर भगवान, और जब भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, गांधी जी हो, इनका तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर आज अलग सम्मान है, जो आप हम लोग नहीं सोच सकते हैं। उत्तर विश्व दुनिया के मुल्क जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल है दुनिया के, वो जो अध्ययन करते हैं उनको मालूम है कि इस देश जो भारत है उसका, उसकी प्राचीन काल से जो सभ्यता है, परंपराएं हैं, संस्कार है, संस्कृति है, उसका मुकाबला कोई मुल्क नहीं कर सकता है। और हमें गर्व है कि उस देश के हम लोग नागरिक हैं। मुनि जी के यहाँ पधारना, जो मुझे बताया गया, करीब 1650 किलोमीटर की यात्रा तय करके कर्नाटक से आना,
और आवाज बुलंद होना बहुत बड़ी बात है। आप देखा होगा अभी जो आवाज उनकी कहीं लगता नहीं वो थकावट उनकी कोई चेहरे पे भी है या उनकी वाणी पे भी है। ये इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार का संदेश वो दे रहे हैं वो सीधा हम लोग आत्मसात करें। हमारा यहाँ बैठने का तभी हम कामयाब होंगे सफल होंगे तब जो अभी आपको संदेश सुनने को मिला है। आचार्य 108 वर्धमान सागर जी महाराज साहब का उनकी वाणी को उनके संदेश को अगर आत्मसात करते हैं हम लोग जीवन उतारते हैं तब जाकर के आना या बैठना इस शुभ काम में भाग लेना वो मायने रखता है। मुझे खुशी है कि माँ मस्त का भी देख का आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से ये आज शुभारम्भ हो रहा है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं झंडा रोहण करूं यहाँ पर आकर के। मैं कातलीवाल जी को सुधांशु जी को तमाम इनकी कार्यकारिणी को और तमाम उन लोगों को जो मुझसे आगे मिले थे कातलीवाल जी के साथ में शांति कुमार जी अशोक पाटनी जी महेंद्र पाटनी जी विवेक काला जी सब ने जब मुझे पहली बार कहा इस प्रोग्राम आने के लिए और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के लिए तो आज मुझे सुकून मिल रहा है कि कातलीवाल जी जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं 50 साल में जो काम महावीर जी में नहीं हुए हैं सफाई के सड़कों के विकास के वो काम पहली बार हुए हैं। आपके समाज के अध्यक्ष का कहना मायना रखता है। एक मॉडल पंचायत बना दी गई है और मैं समझता हूँ स्वाभाविक है आवश्यक भी है क्योंकि ये पावन धाम भी है पवित्र धाम भी है। पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ साल भर तक। तो अगर ये पंचायत साफ सफाई अच्छी सड़कें अगर उस रूप में सुंदर होगी मॉडल होगी तो उनको लगता है कि महावीर भगवान का जो स्थली है वहाँ पर सब कुछ सुकून मिलने वाली बातें हैं। तो मुझे खुशी है कि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मुझे आज याद किया उसके लिए मैं आभारी हूँ। मुझे बताया गया कि जो यहाँ पर 24 फीट की जो एक प्रतिमा लगाई गई भगवान महावीर की काला परिवार ने और सीपी जैन साहब ने उसका मैनेजमेंट किया उसके लिए भी मैं उनको आप सब की ओर से बधाई देता हूँ। और अभी मैं जब गया मंदिर में तो उसके ग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड के अंदर जो शानदार म्यूजियम बना हुआ है मूर्तियों का मेरे ख्याल देश में कहीं नहीं होगा ऐसा। जिस रूप में लक्ष्मी जी पवन जी पंसारी परिवार ने जो भगवान महावीर की और तीर्थंकर की जो मूर्तियाँ वह लगाई है मैं समझता हूँ कि वो अद्भुत है। और ऋषभ देव महाराज जी आदिकाल से लगा के भगवान महावीर तक कि जो मूर्तियाँ लगाई गई है मूर्ति बनाई गई विभिन्न पत्थरों की दुनिया भर के मुल्कों में जो पत्थर है माणक मोती जो भी अलग अलग तरह के हैं उनकी बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं गढ़ करके वो अपने आप में एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और परिवार का समर्पण देखिए आप इस परिवार का लक्ष्मी जी पवन जी पंसारी परिवार का कि उन्होंने इतना बड़ा काम समाज के लिए किया है वो भी साधुवाद के पात्र हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ ये धार्मिक प्रोग्राम है इसलिए धार्मिक प्रोग्राम में धर्म तक ही मैं सीमित रहना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ आपके सबके आशीर्वाद से मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ तीसरी बार मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद। और मैं कई जगह कहता हूँ कि मेरी जाति पार्टी धर्म ये तमाम बंधन तोड़ करके मानव मानव की सेवा करें ये महावीर भगवान का भी उद्देश्य था। पर दुर्भाग्य से जातियों पे पार्टियों पे धर्म पे बढ़ जाते हैं हम लोग तो समाज कमज़ोर होता है। मैं तो कहीं भगवान के मंदिर में जाता हूँ किसी समाज के कोई भी जगह तो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। मैं कहता हूँ पूरा ब्रह्मांड जो भी
जिस प्रकार से अभी हमारे महाराज जी ने जो वर्धमान सागर जी ने भाव प्रकट किए थे, मैंने कहा इसलिए मैं प्रभावित हुआ कि मेरी भावना वही है, पूरा ब्रह्मांड जो है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, किसी भी जगह जाता हूँ मैं, मंदिर में या और कहीं गुरुद्वारा में या कोई धार्मिक स्थल है, दरगाह है, कोई भी है, चर्च है, जैन मंदिर है, कोई भी है, तो मैं प्रार्थना करके आता हूँ पूरे ब्रह्मांड का जो मानव मात्र, प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, उसका कल्याण होवत, ये बोल के मैं बाहर निकलता हूँ। तो जब भाव प्रकट किए गए आज आचार्य ने, उसमें वही ध्वनि निकल रही थी, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दर्शन आज करने को मिले हैं, अब जिंदगी में जब कभी मौका मिलेगा तो अशोक पार्टी को कहूँगा कि वो मुझे कभी कभी दर्शन करवा दे महाराज से। इसलिए यही बात कहता हुआ मैं पुनः कार्तिवा जी को और इस बात के लिए मैंने जब सुना आज मुझे उन्होंने मौका दिया आने का, वो मैंने जनरल में मैंने किया, पर एक बात जो मैंने सुनी उसने मुझे बहुत प्रभावित किया कि महावीर जयंती जब होती है यहाँ पर तो वाल्मीकि समाज तो शुरू करते हैं, मीणा समाज, गुजर समाज उसको रिसीव करते हैं, एक तरफ मीणा समाज, एक तरफ गुजर समाज। ये अद्भुत चीज है, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान महावीर का जो ये स्थल है, यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म बिना कोई ऊंच नीच के भेदभाव के समावित किए हुए हैं। ये बहुत बड़े गौरव की बात है, ये मामूली बात नहीं है जो मुझे बताई गई। मैं समझता हूँ ये तो अद्भुत बात है, और यही भावना अगर सभी जातियों में, समाज में हो जाए तो फिर आप सोचिए कि कहना ही क्या है। तो इसलिए मुझे खुशी हुई कि आज मीणा समाज, गुजर समाज के लोग कुदरत को खींचते हैं। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ एक बार पुनः मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आचार्य श्री वर्धमान सागरी महाराज साहब को स्टेट गेस्ट बनाने का सौभाग्य मिला है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में जो आपका संदेश है उसको और मजबूती के साथ में राजस्थान के अंदर हम लोग फैलाने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने, जो देश में कहीं पे भी नहीं है, हमने अहिंसा और शांति का एक विभाग बनाया सरकार का, सरकार का नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना, ये भी भगवान महावीर का जो संदेश है सत्य का, अहिंसा का, उसी से संबंधित है कि शांति व अहिंसा का विभाग गवर्नमेंट बनाया अपना खुद का। उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि भगवान महावीर हो, गांधी जी हो, नई पीढ़ी के अंदर उनका संदेश पहुंचे, वो आत्मसात करें, जिससे कि जब वो उनके ऊपर भार आए देश का, तो अगली पीढ़ियों तक वो भगवान महावीर के उद्देश्यों को, जिनको आत्मसात गांधी जी ने किया था, उनको आगे से आगे वो फैला सके। जो सरकार विभाग बनना, मैं समझता हूँ कि एक अभिनव विचार था और हमने उसको बनाया है। ये मुझे प्रसन्नता है कि विभाग अच्छा काम भी कर रहा है, जगह जगह पर कैंप लगा रहा है और उसी ढंग से ये जुड़े हुए सभी हमारे साथी, और मैं समझता हूँ कि रुपेंद्र काला जो है बैठे हुए नौजवान, वो भी उसे जुड़े हुए हैं, तो सब लोग जुड़ करके उसको कामयाब कर रहे हैं। शांति सद्भावना की हम लोग यात्रा में निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी महंगाई को लेके है, बेरोजगारी को लेके है, शांति सद्भावना को लेके भी साथ के अंदर है, अहिंसा को लेके भी वही उतरा है कि सब देश के अंदर सुख शांति से रहें, प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना से रहें, आपस के अंदर तनाव नहीं हो और हिंसा नहीं हो, ये उद्देश्य उस यात्रा का राहुल गांधी कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से एक संदेश के रूप में चल रही है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज मैं मुनिश्री का, महाराज श्री के मैंने प्रवचन सुने और उसी रूप में मैं कमल मंदिर नवग्रह में मंदिर का निर्माण किया गया है, वो भी बधाई उसके लिए आपको,
कमल मंदिर में नवग्रह मंदिर का निर्माण हुआ है, ये मुझे अभी वही बताया गया, तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ समाज को। ये बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं हमारे क्षेत्र के द्वारा एक प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ राकेश जैन आरएएस, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष राजकुमार जी कोठारी और संयोजक श्री राकेश जी सेठी जी को। कृपया आगे पधारें और इसका विमोचन, साथ ही स्मारिका महोत्सव की एक बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है उसका विमोचन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अशोक जी जैन साहब, अशोक जी जैन साहब पूर्व मुख्य सचिव, सुरेश जी बांधीकुई और आदरणीय पंडित हंसमुख जी जैन साहब को। कृपया पधारें और स्मारिका का इसके अगले क्रम में विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा। अगले क्रम में दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय, जिस कॉलेज की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा रखी गई थी, उसकी छात्राओं की सूचना प्रसारित बहुत सुंदर पत्रिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा श्री उजास जी जैन साहब, शैलेंद्र जी गोधा और श्री ज्ञानचंद जी झांझरी एवं अध्यक्ष श्री सीपी पहाड़िया साहब से अनुरोध आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा इसका विमोचन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी को जो स्नेह प्यार मिला, आपकी सरलता, आपकी सहृदयता, महानुभाव, मैं महोदय के समक्ष निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कोरोना काल में जिस प्रकार हमें अपना प्यार और स्नेह दिया, राजस्थान की जनता को जिस प्रकार से आपने बचाया, ऐसी अनोखी सूझबूझ हर किसी के पास नहीं हो सकती। कहना चाहूंगा कि पत्थर को जो पिघला दे संगीत उसे कहते हैं, जिसमें दर्द भरा हो जन का गीत उसे कहते हैं। जीवन के इस लंबे पथ में जाने कितने लोग मिलेंगे, पग पग पर जो साथ निभाए मीत उसे कहते हैं, पग पग पर जो साथ निभाए मीत उसे कहते हैं। क्या होने वाला है उसका आभास आपको पहले से हो जाता है और आप पहले से पूरी जनता को आगाह कर देते हैं, सबको साथ जोड़कर चलते हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आपके जैसे महामना का हाथ हम सभी के ऊपर है, तो निश्चित ही हम अमन चैन से आपकी सरकार में रहते हुए और गौरवान्वित होते हैं, अपने आप को निश्चित ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिगंबर जी नस्थ श्री महावीर जी के मानद मंत्री महोदय श्री महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब को कि दो शब्दों में आप सभी का आभार व्यक्त कर अनुग्रहित करें। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य अमित सागर जी महाराज और सर्व साधु मुनिराजों को मेरा सागर नमस्तु। आरिका माता जी को मेरा वंदनी। आज से 24 साल पहले सहस्राब्दी समारोह का आयोजन यहाँ हुआ था। प्रबंधकारिणी कमेटी ने निर्णय किया कि 24 साल बाद यहाँ पर भी महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाए और पंचकल्याण का आयोजन किया जाए। ये तय करने के बाद हम लोग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब से मिलने गए और उनसे निवेदन किया कि आपको समारोह के प्रथम दिन इसका उद्घाटन करने के लिए और झंडारोहण करने के लिए पधारना है और आपने बहुत सहजतापूर्वक हमारे को स्वीकृति प्रदान की और यहाँ पर आकर के झंडारोहण किया तथा हमारे को संबोधन प्रदान किया। हम आपके बहुत अत्यंत आभारी हैं। मैं महावीर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से, पंच कल्याण महोत्सव की ओर कमेटी की ओर से, तमाम मस्तकाभिषेक कमेटी की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे निवेदन पर श्री विश्वेंद्र सिंह जी साहब, श्री भजनलाल जी जाटव साहब, दिनेश जी खरौलिया साहब, श्री दानिश अमरार साहब, भोलाल जी जाट भरोसीलाल जी जाटव साहब, रमेश सिंह जी मीना साहब और लाखन सिंह जी करौली विधायक भी पधारे। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ और हमारे उनसे निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार से हमारे को हमेशा मार्गदर्शन भी प्रदान करते रहें
और यहाँ पधार करके क्षेत्र में पधारते रहें। इस कार्यक्रम में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए बहुत दिनों से प्रयत्न किए जा रहे थे और डिविजनल कमिश्नर और आईजी साहब और कलेक्टर और एसपी साहब, कलेक्टर साहब से अंकित कुमार जी का और एसपी साहब का बहुत बड़ा सहयोग प्रदान उन्होंने दिया, इसके लिए मैं उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आप सब लोग यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं प्रबंधकारिणी कमेटी की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय माँ भी हृदय से आभार सहित आज जो अभी शिक्षा समृद्धि योजना का विमोचन यहाँ किया गया उसके निमित्त एक बच्ची की एक वर्ष की पढ़ाई के लिए 11,000 की राशि निश्चित है। सुधांशु जी कासलीवाल जी द्वारा 10 बच्चियों की स्वीकृति प्रदान की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए हम गौरवान्वित हैं। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में पुनः पुनः नमोस्तु निवेदित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज हम हृदय से गदगद हो रहे हैं और ये प्रसन्नता है और ये साथ में इंतजार है कि द्वारा इस पावन धरती पर आप कब पधारेंगे इसका भी हमें इंतजार रहेगा। प्रबंधकारिणी कमेटी दिगंबर जैन अध्यक्ष श्री महावीर जी के अंतर्गत पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, भगवान महावीर स्वामी महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए गौरवान्वित है। और आपने हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर यहाँ पधार कर अपना स्नेह और दुलार प्रदान किया, निश्चित ही हम आपके हृदय से आभारी हैं। अगले कार्यक्रम की सूचना प्रदान करने हेतु मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे मुख्य प्रतिष्ठाचार्य सम्माननीय श्री हंसमुख जी जैन साहब को, कृपया आगे अगले सभी कार्यक्रमों की सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय पंडित साहब, आइए मान भाव सभी इंद्राणी ध्यान देंगे। सौधर्मेंद्र कुबेर यज्ञ नायक भगवान के माता पिता जितने भी पात्र हैं अष्टकुमारिया आदि सभी पात्रों से अनुरोध है ठीक 12:30 बजे पूजन के वस्त्र में धोती दुपट्टा पहन करके ठीक 12:30 बजे यहाँ पर पूजन की पूजा प्रारंभ होगी। जितने भी पात्र हैं सौधर्म इंद्रादि ठीक 12:30 बजे पूजन के वस्त्र पहन करके आएंगे सभी। सारे कार्यक्रम ठीक 12:30 बजे से प्रारंभ होंगे।